everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. So, ready हैं आप सब अपने fourth chapter के साथ start करने के लिए. So, I hope आपको introduction में अच्छे से समझ आया हो क्या है linear equation. In fact, एक equation क्या होती है, then linear क्यों कहते हैं, और अब हम इसे पूरे chapter में linear equation दो variables में कैसे पढ़नी है. So now we are proceeding with our first exercise. बट पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल समझा देती हूँ, ठीक है, जो हमें इस एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत याद रखना है. आफ्टर दैट ओनली आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइन, चलिए. सो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1, लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है या फिर उसे एक फॉर्म में लिखना है, ठीक है. सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी नीड टू रिमेम्बर, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लेती हूँ. अगेन, क्योंकि हम टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कोई भी इक्वेशन ली विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेरिएबल्स, ठीक है. चलो, अब क्या कर सकते हैं, हमें पहला रूल क्या याद रखना है, व्हेनेवर वी वांट टू ऐड एनी नंबर, अगर मैं किसी भी एक साइड पे कोई नंबर ऐड करना चाहती हूँ तो सेम नंबर मुझे दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, और दोनों ही साइड पे एक नंबर ऐड होने से हमारी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है. कैसे, अगर मैं यहाँ पर 2x plus y for suppose 2 ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है. सिमिलरली ये सेम नंबर मुझे अपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा. सो इसके बाद भी हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया और कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर मैंने एडिशन के साथ किया है, so we can also do it with subtraction. Yes, तो हम ये सेम चीज अपने subtraction के साथ भी कर सकते हैं कि for suppose मैंने यहाँ से 3 subtract किया है, ठीक है. so जो change पे left hand side पे लेकर आई हूँ अपनी equation के, same change मुझे अपनी right hand side पे भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है. so this is the rule कि जब भी हम algebra, जैसे अभी हम maths में कौन से chapters की बात कर रहे हैं, we are dealing with the algebra, ठीक है. एलजेब्रा में हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स. सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद एलजेब्रा, हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इसे हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. हो सकता है कि मुझे अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को, अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए किसी नंबर को ऐड करना पड़ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं, हम सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ओनली जो उसके साथ एक कंडीशन ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे कुछ ऐड कर रहे हो तो सेम नंबर से आपको राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. यही सेम रूल अप्लाई होता है विद द सब्ट्रैक्शन आल्सो. नाउ क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर ये रूल को फॉलो करते हैं तो सेम अप्लाइज विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. सो लेट्स सी हाउ, सेम इक्वेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ, अगर मुझे इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम मल्टीप्लाइंग टू, पूरे इक्वेशन को, पूरा ये जो टर्म है, नॉट द इक्वेशन, पूरे टर्म को, लेफ्ट साइड का जो मेरा टर्म है, आई एम मल्टीप्लाइंग दैट टर्म विद 2, ठीक है. तो सिमिलरली मेरे राइट हैंड साइड पे भी क्या चेंज आने वाला है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये जो हमारी इक्वेशन थी और ये इक्वेशन दोनों एक ही मानी जाएंगी, ठीक है. उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होता है, अगर मुझे अपनी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन जैसा बनाना है तो दोनों साइड से टू कट सकते हैं ना, तो बन तो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन ही गया. दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि अगर चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस दोनों साइड पे बिल्कुल सिमिलरली आने चाहिए. उसकी वजह से आपके इक्वेशन का जो नेचर है, जिस भी तरीके से वो ऑपरेशन चल रहा है उसमें, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है. सिमिलरली अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है तो डिवीजन कैसे पीछे रह सकता है भाई, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो डिवीजन भी पीछे नहीं छोड़ेगा. तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आपको शो किया है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर नाउ, आई विल डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय 2, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर पूरे को 2 से डिवाइड करती हूँ एक्सप्रेशन को, सिमिलरली मुझे राइट हैंड साइड पे भी 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर हम, तो कंक्लूजन क्या हुआ, हमें इसमें से क्या निचोड़ निकालना है कि भाई अगर चेंजेस हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं तो सेम चेंजेस हमारे राइट साइड पे भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है. सो
चलो ये तो हमारे दो रूल्स हो गए जो आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले याद रखने हैं। दूसरा एक और चीज, अब इसमें ऐसा कुछ लर्न करने वाला नहीं है, ना ही जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये कुछ लर्निंग वाला है कि भैया रट्टा मारना है कि ये कैसे हो गया है तभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो एक और मैं आपको क्या पॉइंट यहाँ पर बताने वाली हूँ, भाई मेरी इक्वेशन है हम अभी तक ऐसे ही लिखते थे, इनफैक्ट अगर मैं वन वेरिएबल में होती थी, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है 4x = 2 सपोज, तब भी हम ऐसे लिखते थे। बट क्या हर्ज है अगर मैं 7 को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे? सो दिस इक्वेशन आर वन एंड द सेम थिंग। यही मैं बस आपको बताना चाहती थी कि इक्वेशन की फॉर्म सिर्फ चेंज हुई है, इक्वेशन चेंज नहीं हुई। कैसे फॉर्म चेंज हुई है? क्योंकि राइट साइड पे अगर मैं देखूंगी तो मेरा 7 पॉजिटिव है, प्लस का है, बट अगर मैं सेम 7 को लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहती हूँ, इक्वल्स टू के दूसरी ओर लेके जाना चाहती हूँ, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट रिवर्स द साइन, मेरे को सिर्फ उसके साइन चेंज करने हैं। सो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया एंड देन बोथ इक्वेशंस आर द सेम। ओके, तो चलो अब हमारे जितने भी हमें एक्सरसाइज से पहले पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड थे वो हमारे हो गए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चंस ना, जैसे अभी आप पढ़ोगे फर्स्ट क्वेश्चन को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिचुएशन वाइज आ सकते हैं। चलो, सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यू हैव अ सिचुएशन, कंपेरिजन है, ठीक है? कैसे कंपेयर है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, हमेशा दूसरे वाले से पहले वाले को कंपेयर किया जाता है। जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे सो हमें ध्यान क्या देना है कि भाई किसको किससे कंपेयर किया गया है। सो इन दिस केस एक नोटबुक को पेन की कॉस्ट से कंपेयर किया गया है, ठीक है? दोनों की कॉस्ट को कंपेयर किया है, पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। चलो ये तो क्लियर हमें हो गया। तो अगर जिससे कंपेयर किया गया है सबसे पहले मैं उसको मान के चलूंगी, कुछ भी लेके चलेंगे, लेट सपोज उसे एक्स ले लिया, आपके बुक में भी इसका हिंट दे रखा है कि एक को एक्स ले लो एक को वाई ले लो, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसलिए हमें हिंट के साथ नहीं चलना। हम ये भी कर सकते हैं, फॉर सपोज मैं चाहती हूँ तो ए एंड बी ले सकती हूँ, एम एंड एन ले सकती हूँ, एक्स एंड वाई तो हम लेके चल ही रहे हैं, कुछ भी ऐसा लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके क्वेश्चन में एक्स और वाई नहीं है, एम या पी क्यू क्यों दिख रहा है, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि हमें पेन से कंपेयर करा गया है, व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले अपने पेन का कॉस्ट मान के चलेंगे। सो लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन बी एक्स। कभी भी किसी चीज को अगर हमें अज्यूम करना होता है तो बिल्कुल हमेशा आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, इसी तरीके से हम अज्यूम करके चलते हैं। अब कंपेयर किससे किया गया है? नोटबुक के कॉस्ट को, दोनों में कॉस्ट है, सेम क्वांटिटी की, मतलब सेम टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्वांटिटी नहीं बट कॉस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक लाइन यहाँ पर और एड हो जाएगी, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी वाई, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस बनाने वाले हैं, इसलिए व्हाट आई हैव डन कि दोनों को अलग अलग एक वेरिएबल अज्यूम करवा दिया, ठीक है? नाउ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है? बिल्कुल इसके सेंटेंसेस के साथ, एक एक स्टेटमेंट के साथ आप चलते रहोगे ना, मक्खन की तरह क्वेश्चन निकलेगा आपका, ठीक है? तो क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बाय, मतलब कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज यानी कि इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, ट्वाइस मतलब डबल द कॉस्ट ऑफ द पेन, तो मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 2x एंड दैट इज आवर रिलेशन। बस इतना ही था क्वेश्चन में, हमने अपने रिलेशन को कैसे लिख दिया, एक एक वर्ड को बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे वैसे उतारते जाओ और आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है?
अभी ये जो सिचुएशन था बहुत इजी था एंड बार बार मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अभी आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बाकी एक्सरसाइजेस में भी वो थोड़े से ट्विस्टेड भी होंगे। सो फंडा क्या है कि आपको एक एक करके ब्रेक करके अपने क्वेश्चन को सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसे नोट करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग विद अस, कीप वॉचिंग। शुभ बाय।